पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। You are pregnant. ओशर, मैंने तुम्हें हमेशा खुद के भरोसे पाला है, लेकिन आज, आज मुझे उस आदमी से मदद लेनी पड़ रही है, जिसने हमें धोखे के अलावा और कुछ नहीं दिया, और ये बात मैं किसी और से कर भी नहीं सकती, ओशर। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि उस बंदे की तुम्हें जरूरत है, जिसके साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा, खून का रिश्ता बन गया पोषा, जिस आदमी से हमने कभी कुछ नहीं लिया, कभी मुड़के भी नहीं देखा, आज वही आदमी तुम्हारी जान बचाएगा पोषा। अरे ऐसे कैसे किसी का भी ब्लड चढ़ा दोगे उसे? पश्मीना पश्मीना दुरानी होने वाली है, बीवी है मेरे होने वाली वो। पेशेंट को ब्लड की बहुत जरूरत है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ तो लेकर आना था ना मैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ब्लड डोनर आ गए हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। क्या तमाशा लगा रखा है पारस? पूरा हॉस्पिटल सुन रहा है तुम्हारी चिल्लम चिल्ली। चल निकल इधर से अभी। पापा आप ही नहीं कहा था ना किस राघव को हीरो नहीं बनने देना? पश्मीना मेरी मंगेतर है, मुझे उसके लिए ब्लड लेके आना चाहिए। हाँ कहा था, लेकिन हॉस्पिटल में तमाशा बनाने के लिए नहीं कहा था। अरे इतनी कोशिश की मैंने पर नहीं मिल रहा है वो खून। ले आया ना वो, अब सबके सामने हीरो बनेगा और मैं हीरो बनते बनते काय का हीरो? गधा है तू गधा। सब कुछ गड़बड़ हो गया, पश्मीना के घर वालों के सामने हीरो बनूंगा कैसे मैं? मैं क्या करूं पोषा, मुझे माफ कर दे। एक माँ के लिए उसके जमीर से बढ़कर उसकी बेटी की जिंदगी है। मैं उस आदमी के सामने हाथ फैला दूंगी और उससे तुम्हारी जिंदगी मांग लूंगी पोषा। जितना दल में पानी नहीं, जितने चिनार में पत्ते नहीं, जितना पहाड़ों पे बर्फ नहीं, उतनी मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे पोषण। मोहब्बत करती हूँ। अरे शर्मा साहब, अब तो आपसे खून का रिश्ता हो गया हमारा, हमारी होने वाली बहू की जान बचा रहे हैं आप। वो तेरी जान बचाएगा पोषण, वही तेरी जान बचाएगा, और मैं चाहती हूँ तुम मुझे उम्र भर कोसोगी कि उस आदमी से कुछ भी क्यों लिया, लेकिन यही कुदरत का खेल है पोषण। मैना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। दादी आप राघव भैया को बोल दीजिए कि वो कल या परसों आए तो भी चलेगा, उनकी वो टूर गाइड, उनने उनकी बहुत मदद की और अब वो खुद सीरियस हैं। तू चिंता मत कर, अविनाश अंकल है ना, वो उनकी मदद करेंगे। अविनाश अंकल सबकी मदद करते हैं। हाँ बेटा, अभी अंकल हमेशा सबकी मदद करते हैं बहुत निस्वार्थ भावना से। बेटा मैं जरा राघव भैया के लिए शंभुनाथ के सामने एक दिया जला के आऊं। राघव भैया और उनकी टूर गाइड दोनों के लिए दादी। जरूर। आंटी पापा की ब्लड टेस्टिंग के लिए जा चुकी है, जैसे ही हो जाएगा पश्मीना को चढ़ा देंगे। शी विल बी फाइन, मेरे पापा बेस्ट है आंटी, और आप भी सुपर हीरो हो आंटी, आपने हिम्मत नहीं हारी,
और पश्मीना भी किसी एक्शन हीरोइन से कम नहीं है। उसने मेरी जान बचाई और अब आप देख लेना, जैसे इस हीरोइन में खून चढ़ेगा ना, उठ खड़ी होगी। पश्मीना, मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूं, पर तुम ठीक हो जाओगी ना तो हम खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारी मम्मा ने कुछ ही पल में मुझे अपना जैसा बना लिया। तुम देखना, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। और अब तो तुम मेरी बहन जैसी बन गई हो ना, मेरे पापा का खून तुम्हारे रगों में। Oh my God, that is too filmy. But really, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और मैं कुछ तो रिश्ता है। आंटी, मैंने कुछ गलत तो नहीं? पश्मीना, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा अपनी मॉम के लिए। क्या हुआ? बात करनी है तुमसे। तुम्हारी मंगेतर को ब्लड मैं देने वाला हूं। रियली सॉरी प्रीति जी, वो पश्मीना के पापा वाली बात वापस छिड़ गई, आपको बुरा लगा ना। आयशा का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, उसे कुछ पता भी। नर्स, जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाए आप मुझे बताइएगा। जी। आज तो तुम हीरो बनते बनते रह गए। क्यों बनते बनते रह गए? मतलब? मतलब मैंने सुना, ऐसा कोई कह रहा था कि तुमने अपने मंगेतर की जान बचाई, उसे यहाँ लेकर आए। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था पहले। हाँ तो मैंने ही बचाया पश्मीना को, आप ये घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? पॉइंट पे आइए ना। तो तुम्हारी हीरोगिरी का क्या फायदा? ब्लड डोनर तो नहीं ले आए ना तुम? क्योंकि उस राघव ने दे दिया ना, वो मेरे हर काम में ना टांग अड़ा रहा है। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। या मैंने कहा कि पश्मीना के पापा से हमें हेल्प लेनी चाहिए, इससे आप, आपका दिल दुखा। प्रीति जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या आप आज भी उन्हें मिस करती हैं? क्या आपकी जिंदगी में आज भी उसका असर है? नहीं, मैं उस आदमी को मिस नहीं करती। और हाँ, असर है, वो आदमी हो ना हो, उसका आज भी मेरे जिंदगी में असर है। तो बन जाओ ना हीरो, ले आओ ना डोनर, सिंपल। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मैं सारे टेस्ट ओके हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। सुना आपने? आप तो देंगे ना ब्लड उसको? प्लीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज। चिल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि ये तय करने के बाद कि मैं उस आदमी से जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आज मुझे, आज आपको उनसे मदद लेने के बारे में सोचना पड़ा, पर हमें उसकी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अवि अंकल चौ गए, पश्मीना के पापा की हमें कोई जरूरत नहीं थी। प्रीति जी, आप मुझे अपना समझती हैं, है ना? तो क्या उस हक से मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? ऐसा कभी ना हो, लेकिन कल को किसी भी वजह से अगर आपको उस आदमी की मदद लेने की नौबत आए तो प्रॉमिस कीजिए कि आप उससे मदद लेंगी। प्रॉमिस कीजिए, आप मदद नहीं ले रहे होंगे, आप
अपना हक ले रही होंगी। उस आदमी ने जो किया वो किया, लेकिन आपका हक बनता है और वो हक आपको लेना चाहिए, उस हक से आपको मांगना चाहिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।